ईवी बेहतर है या फिर हाइब्रिड? जब से टिपिकल आइस व्हीकल्स पर सख्ती बढ़ी है तब से ये सवाल हर एक इंसान के मन में है, लेकिन इसका ठीक जवाब वो शायद किसी के पास नहीं है, और होगा भी कैसे। हम इन अंधाधुन महंगी गाड़ियों को सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली और रनिंग कॉस्ट जैसे पैरामीटर्स पर जज करते हैं। एंड टू बी फ्रैंक, नो रेगुलर कार बायर इज कंसर्न्ड अबाउट एनवायरमेंट, मैं बता रहा हूँ आपको। और जब आप इतनी महंगी कार्स लेने के बारे में सोच ही रहे हो तो क्या सिर्फ रनिंग कॉस्ट आपके लिए मैटर करना ठीक है? मेरा मानना है कि हाइब्रिड्स एंड ईवीज दोनों ही ग्रे एरिया में आती हैं, दोनों की ही अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, लेकिन सिर्फ इन दो पैरामीटर्स पर जज करके आप एक को विनर और दूसरे को लूजर घोषित नहीं कर सकते हो। और इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर इनको रनिंग कॉस्ट, डिपेंडेबिलिटी, परफॉर्मेंस, टेक या अपील, रिलायबिलिटी और ऑप्शंस या फिर वैरायटी जैसे 6 पैरामीटर्स पर कंपेयर करा है, और जिसकी जिस डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको वहां पर पॉइंट्स दिए हैं। लेकिन इस बात के बावजूद भी इस वीडियो को बनाने का पर्पस एक विनर या फिर एक लूजर घोषित करना नहीं है, बल्कि इंडियन कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना है और बताना है कि बॉस, आप बहुत सारी और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियों को मिस कर रहे हो एक ईवी या फिर एक हाइब्रिड खरीदने से पहले। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके बाद हाइब्रिड्स और ईवीज को लेकर आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदलने वाला है। तो इसी बात पे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आप में सिर्फ 30-35% लोग ही हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फिलहाल। चलो नंबर 1 पैरामीटर पे बात करते हैं, यानी कि रनिंग कॉस्ट। देखो, रनिंग कॉस्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये जो हाइब्रिड्स होते हैं ना, ये काम कैसे करते हैं। ईवीज के बारे में तो हमें पता है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा दिखाई देता है एटलीस्ट ऑन पेपर, क्योंकि आपको किसी भी एसी या फिर डीसी चार्जर से अपनी ईवी को चार्ज करना होता है। ये जो एनर्जी होती है ये बैटरी सेल्स में स्टोर होती है, और फिर इस स्टोर्ड एनर्जी को मोटर्स कंज्यूम करती है जिससे कि गाड़ी आगे बढ़ती है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से प्रिंसिपल से सारा काम हो जाता है, एटलीस्ट दिखता तो ऐसा ही है। लेकिन अगर हम हाइब्रिड्स की बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा गेम बदल जाता है। इसमें एक इंजन होता है, एक बैटरी होती है और एक मोटर भी होती है, जिसमें जो इंजन होता है वो गाड़ी के व्हील्स को चलाता ही है, साथ ही साथ बैटरी को भी चार्ज करता है, और जो बैटरी होती है वो मोटर को पावर करती है जिससे अगेन गाड़ी आगे ही बढ़ती है। लेकिन ये जो इंजन और मोटर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, जरूरी नहीं है दोनों के दोनों साथ में ही चल रहे हो। जब आप सिटी में ड्राइव कर रहे होते हो, स्टॉप एंड गो टाइप के ट्रैफिक में होते हो, तब आपकी गाड़ी का कंप्यूटर ज्यादातर टाइम ईवी मोड पे रखता है गाड़ी को, यानी जो गाड़ी का इंजन है वो स्लो सिटी स्पीड्स पे ज्यादातर बंद रहता है, मतलब बार बार उसको कंप्यूटर बंद करता रहता है, बैटरी चार्ज करके फिर बंद कर देता है, क्योंकि आप स्लो चल रहे हो और वहां पर आपको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, आपको एक एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। इवन जब आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हो एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर, बहुत ज्यादा तेज नहीं चला रहे होते हो, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं कर रहे होते, तब भी जो इंजन होता है बीच में कई बार बंद होता है, और कई बार जब मोटर और इंजन दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं तब भी जो इंजन है वो अक्सर अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं होता है, जैसा कि एक नॉर्मल आइस कार के अंदर होता है। इंजन अपने फुल पोटेंशियल पे तब आता है जब आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, ओवरटेक करते हो या फिर तेज चला रहे होते हो काफी, यानी कार का कंप्यूटर अपने आप सब कुछ समझ कर सारी कैलकुलेशन बिठाता है और गाड़ी की मोटर और इंजन को इस तरीके से सिंक करके चलाता है कि ज्यादा से ज्यादा आपका फ्यूल बचे, और ऐसा होता भी है। यहाँ पर हम ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का एग्जांपल ले सकते हैं। मारुति क्लेम करती है कि उनकी ये गाड़ी 28 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकती है, और अगर हम हाईवे पर देखें तो ये गाड़ी 23 से 24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के दे भी रही है ज्यादातर लोगों को। लेकिन इससे भी ज्यादा जो सरप्राइजिंग बात मुझे लगती है वो ये है कि ये गाड़ी सिटी के अंदर 25 तक की माइलेज निकाल के दे देती है, विच इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ नॉर्मल पेट्रोल कार्स। लेकिन ये ईवीज में भी हमें देखने को मिलता है, वो भी सिटी के अंदर ज्यादा रेंज निकाल के देती हैं हाईवेज के मुकाबले, और वो होता इसीलिए है क्योंकि जो मोटर्स होती है ना वो इंजन की तरह खड़े ट्रैफिक में चलती नहीं रहती हर वक्त। अब मान लो आपको ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार 25 तक की माइलेज निकाल के दे रही है, तो उस हिसाब से देखें तो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार सिर्फ फ्यूल की रनिंग कॉस्ट पे अगर हम बात करें तो 3.8 रुपीस पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट निकाल के दे देगी, अगर हम बाकी एस्पेक्ट्स को ना रखें तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस रनिंग कॉस्ट को ईवी की रनिंग कॉस्ट से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन में आपका अलग अलग खर्चा होगा। जैसे यहाँ पर हम ग्रैंड विटारा को विंटर से कंपेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पर आती है गाड़ी। तो अगर आप विंटर को घर में चार्ज करते हो और मान के चलते हैं कि जो विंटर है वो 8.1 किलोमीटर पर किलोवाट आवर जाती है रियल वर्ल्ड में, तो इस सिचुएशन में आपकी जो रनिंग कॉस्ट आएगी वो आएगी 1.1 रुपीस पर किलोमीटर। लेकिन अगर आप इस कार को किसी फास्ट चार्जर पर चार्ज करते हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 22 रुपीस पर किलोमीटर के आसपास है, तो वहां पर उस सिचुएशन में आपकी जो रनिंग कॉस्ट निकल के आएगी वो आएगी 2.72 रुपीस पर किलोमीटर की। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ऐसे डीसी चार्जर की बात कर रहा हूँ जिसमें 22 रुपये आपको देने पड़ेंगे 1 किलोवाट के। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चार्जर में 22 रुपये ही देने पड़े, हो सकता है किसी में थोड़े कम हो और किसी में और भी ज्यादा हो। तो इस चलते अगर हम देखें तो जो ईवी की रनिंग कॉस्ट है और जो हाइब्रिड की रनिंग कॉस्ट निकल के आई है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, हो सकता है 1-1.5 रुपये पर किलोमीटर का फर्क आ जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है, और इसीलिए दोनों को ही मैं एक एक पॉइंट देना चाहूंगा इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे। और स्पेशली इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर हम एक नॉर्मल ग्रैंड विटारा की रनिंग कॉस्ट निकाले ना, तो 7-7.5 रुपये के आसपास आती है अगर वो गाड़ी 13-14 किलोमीटर की माइलेज दे दे सिटी के अंदर, जो कि अब तो मुश्किल लगता है मेरे को E20
के बाद। और दूसरा और जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैंने हाइब्रिड को थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होने के बावजूद भी एक पूरा नंबर दे दिया है, वो है कन्वीनियंस। यार आप एक बात बताओ, कोई 20 से 25 लाख की कार ले रहा है वो भी सिर्फ माइलेज के लिए, तो वो इतना पैसा होने के बाद भी सिर्फ माइलेज के बारे में क्यों सोचेगा? शायद इसलिए क्योंकि उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, राइट? हो सकता है उस इंसान को बहुत ज्यादा गाड़ी चलानी पड़ती हो, लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना पड़ता हो, अनप्लान्ड बिजनेस ट्रिप्स करनी पड़ती हो और अनफेमिलियर रूट्स पे गाड़ी चलानी पड़ती हो। ऐसे में आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो इंडिया में चारों तरफ फैले पेट्रोल पंप्स का फायदा उठा सके, और हाइब्रिड्स इन पेट्रोल पंप का फायदा पूरी तरीके से उठा सकती है क्योंकि इनके अंदर पेट्रोल डलाने के अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ता। किसी गाँव में हो या फिर किसी शहर में, जिस मर्जी फ्यूल पंप पे आप जाओ अपनी गाड़ी को लेकर, पेट्रोल डलाओ और जहां मर्जी निकल जाओ। लेकिन ईवी के साथ अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि चार्जिंग स्टेशन की कमी काफी है, अभी पेट्रोल पंप्स के मुकाबले तो काफी ज्यादा है। और स्पेशली जो लोग इसीलिए गाड़ी ले रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा चलानी है या फिर बहुत अनप्लान्ड तरीके से गाड़ी चलानी है या लंबा लंबा जाना है, वो ईवी के साथ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे और आज भी कर रहे हैं। तो इसीलिए कन्वीनियंस के मामले में हाइब्रिड क्लियर विनर बन जाती है। तो यहाँ पर ईवी को 0 और हाइब्रिड को 1 पॉइंट मिलता है। लेकिन जब बात आती है परफॉर्मेंस की तो मामला पूरा का पूरा उलट जाता है। यार जब ईवीज आई थी तब सभी लोग इन्हें एनवायरनमेंट फ्रेंडली और स्लो कार्स की तरीके से देखते थे, मतलब ईवीज को एक तरीके से बोरिंग लोगों की गाड़ी माना जाता था क्योंकि चलती भी धीरे ही थी ये। लेकिन टेस्ला ने आगे पूरा का पूरा गेम बदल दिया। वो अपनी फैमिली सेडान से फरारीज और लैम्बोर्गिनीज जैसी गाड़ियों को ड्रैग रेस में बुरी तरीके से हरा रहे थे, और इसीलिए फिर दुनिया की नजरें गई ईवीज पर। एंड देखा जाए तो उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा अलग भी नहीं किया था। सुपर फास्ट ट्रेन्स हो या फिर इवन डीजल इंजन वाली ट्रेन्स हो, सबको इलेक्ट्रिक मोटर्स की जरूरत होती है क्योंकि इसके अंदर इंस्टेंट टॉर्क होता है और ये बहुत ज्यादा तेज चल सकती हैं। बस एक बड़े बैटरी पैक की जरूरत थी जो कि पावरफुल मोटर्स को संभाल सके, वही टेस्ला ने किया और दुनिया ने उसे फॉलो किया। और अगर मैं आज इंडिया की बात करूं तो हमें यहां पर ईवीज की वजह से इतनी पावरफुल गाड़ियां देखने को मिल रही हैं जितनी हमने पहले कभी भी नहीं देखी थी। लाइक XEV9 282 BHP पावर बना रही है, जो हैरियर ईवी है वो 400 BHP तक पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट, वो भी 30 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में। और जो 55 लाख रुपए में आने वाली C-Line 7 है वो तो 500 हॉर्स पावर को भी पार कर चुकी है। ये गाड़ियां इतनी ज्यादा पावर बना रही हैं कि ज्यादातर कस्टमर्स जो ईवी की कमियों को किनारे करके इनको ले रहे हैं ना, वो मोस्टली इनकी परफॉर्मेंस की वजह से इनको ले रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आपको आइस कार्स ऐसी नहीं दिखेंगी जो परफॉर्मेंस के मामले में उस प्राइस पॉइंट पर ही इन ईवीज को बीट कर सके। वहीं अगर मैं हाइब्रिड्स की बात करूं तो ये अपने आइस काउंटर पार्ट से तो बेटर फील होती हैं परफॉर्मेंस के मामले में। जैसे अगर मैं अगेन ग्रैंड विटारा की बात करूं तो जो ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो आपको इसके नॉर्मल पेट्रोल काउंटर पार्ट से ना थोड़ी ज्यादा तेज फील होगी। इवन तो इसके अंदर टोयोटा का 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 91 BHP बनाता है, यानी कि 10 BHP कम इनके रेगुलर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से। लेकिन फिर भी ये फास्ट फील होती है क्योंकि इसको मिलता है एक 79 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर का असिस्टेंस। लेकिन फिर भी अगर हम ईवी से डायरेक्टली कंपेयर करें तो वहां पर ये स्टैंड नहीं करती है। ईवी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है हाइब्रिड्स के मुकाबले, तो इसीलिए यहां पर ईवी को 1 पॉइंट मिलता है और हाइब्रिड्स को 0। EVs as of now बहुत सारे लोगों के लिए सेंस नहीं बना रही हैं। ऐसे में ब्रांड्स को लोगों को लालच देना पड़ रहा है, लालच एक बेटर कार का, एक फ्यूचरिस्टिक कार का। ब्रांड्स चाहते तो अपनी EVs के अंदर कम पावर वाली मोटर डालकर बड़े बैटरी पैक के साथ बहुत ज्यादा रेंज दे सकते थे, लेकिन पावरफुल मोटर्स सेल्स लेकर आती हैं। और वैसे ही टेक भी, कार ब्रांड्स अपनी ईवीज के अंदर वो टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं जो उन्होंने अपनी आइस के अंदर भी इंट्रोड्यूस नहीं करी है अभी तक। फॉर एग्जांपल महिंद्रा की XEV9 में आपको पहली बार ट्रिपल स्क्रीन देखने को मिली है, ये चमकीली सनरूफ मिली है और ना जाने क्या क्या मिला है। और ये जो ट्रिपल स्क्रीन है ना, ये अब जाके XUV700 के अंदर देखने को मिलेगी जब इसका जो नया फेसलिफ्ट है वो आ जाएगा। हैरियर ईवी में आफ्टर OG सफारी एंड हेक्सा बहुत टाइम बाद आपको एक बढ़िया ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिल रहा है जो कि डेफिनेटली ऑफ रोड करवाने में इसकी हेल्प करता है। मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक जी के अंदर हमें पहली बार कोई जीटन जैसी चीज देखने को मिली है। हाँ, आइस व्हीकल के साथ ये करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस ईवी टेक का फायदा उठाया। पता नहीं ये कितनी गेमिंग है या कितना काम आएगी, लेकिन उन्होंने उठाया इसका फायदा। हुंडई किया और महिंद्रा जो रेगुलर दिखने वाली गाड़ियां बनाते थे वो अब क्रेजीएस्ट मोस्ट डिजायरेबल लुकिंग कार्स बना रहे हैं ईवीज के लिए, स्पेशली ईवीज वाले सेगमेंट के लिए। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर्स को ईवी की तरफ शिफ्ट करने के लिए ब्रांड्स अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, जिससे एक्चुअली कस्टमर्स को एक सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल भी रहा है। वहीं अगर हम हाइब्रिड्स की बात करें तो यूजुअली ये रेगुलर आइस कार्स पर ही बेस्ड होती हैं और इंडिया में इन्हें सिर्फ जैपनीज ही बना रहे हैं, और जो जैपनीज होते हैं वो ऑलरेडी थोड़ी कंजर्वेटिव सी दिखने वाली कार्स बनाते हैं, सिर्फ ट्राइड एंड टेस्टेड जो टेक्नोलॉजी होती है उन्हीं को अपनी गाड़ियों के अंदर डालते हैं। जैपनीज हाइब्रिड टिपिकल सीजन कार ओनर्स के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी है, उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है जो लोग गाड़ियां लेते रहते हैं। मतलब इन्फोटेनमेंट को चलाने तक के लिए बटन्स दे दिए गए हैं होंडा की गाड़ियों के अंदर, इससे ज्यादा आसान क्या बनाएगा आपकी जिंदगी को कोई, है ना। वहीं आज की डेट में हम ईवीज के अंदर देख रहे हैं कि स्क्रीन के अंदर AC कंट्रोल दे रखे हैं, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो न्यू कार बायर्स हैं, जो यूथ है, जो लार्जर देन लाइफ एस्पिरेशन की तरह गाड़ियों को देखते हैं, उनको टेक लोडेड गाड़ियां चाहिए, वो तैयार हैं इस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस को करने के लिए, इवन आफ्टर नोइंग इतनी सारी स्क्रीन्स के शॉर्टकमिंग्स के बारे में।
और इजीली व्हेन इट कम्स टू टेक एंड अपील ईवीज बाजी मार जाती हैं, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में यहाँ पर अगेन मामला उल्टा पड़ जाता है। देखा जाए तो ऑन पेपर ईवी टेक हाइब्रिड्स के सामने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सी दिखाई देती है, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर इंजन भी होता है, बैटरी भी होती है और मोटर भी होती है, और ये जो इंजन होता है ये दो रोल निभाता है, और हमेशा ही एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन चलती रहती है इंजन ऑन और ऑफ करने के लिए, ताकि पावर को मैनेज करा जा सके और ज्यादा से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकाली जा सके। मतलब हाइब्रिड सिस्टम को बनाना काफी ज्यादा डॉन्टिंग टास्क दिखाई देता है, और जो कि होता भी है, और इसीलिए बहुत ही कम ब्रांड्स ऐसे हैं जो प्रॉपर हाइब्रिड सिस्टम्स बनाते हैं, क्योंकि एज आई सेड बिफोर इनको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसमें काफी ज्यादा एडिशनल पार्ट्स हैं, इसीलिए इनके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड सिस्टम होने के बावजूद भी, हमें इनके फेलियर की खबरें बहुत कम सुनाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हर दूसरी मास मार्केट ईवी के अंदर किसी ना किसी तरीके की जो शिकायत है वो रिपोर्ट होती हुई दिखाई देती रहती है। तो ऐसा क्यों है आखिर? वेल, ईवी जितनी भी सिंपल नहीं है जितनी ऑन पेपर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हाइब्रिड्स के सामने तो है ही, लेकिन फिर भी इनके अंदर शिकायतें इसलिए ज्यादा दिखाई देती हैं हमारे को, क्योंकि ईवीज ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड बना रहा है। ऐसे ब्रांड्स भी ईवीज बना रहे हैं जो आज से 5-6 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करा करते थे हमारी नजरों के सामने, यानी अभी भी कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपने लर्निंग स्टेज पर ही हैं। वहीं अगर हम हाइब्रिड्स की बात करें तो इनको बनाने का जिम्मा उठाया है जापानीज और कोरियंस ने, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और टोयोटा तो 1997 से ही अपनी प्रियस बना रही है, यानी कि हाइब्रिड कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी में उनको सालों हो चुके हैं, जिस चलते वो सारी की सारी मिस्टेक्स एंड एरर्स ऑलरेडी कर चुके हैं और अब बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गए हैं। तो रिलायबिलिटी के मामले में अगेन मैं यहाँ पर हाइब्रिड को ही एक नंबर देना चाहूंगा। अब भले ही आप बहुत ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी बना लो, उसको प्रैक्टिकल और रिलायबल भी बना दो, लेकिन फिर भी अगर आपकी गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होंगी, लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं होंगे ज्यादा, तो ये टेक्नोलॉजी मासेस तक पहुंचेगी कैसे? इंडिया में अगर हम मास मार्केट कार्स का सेगमेंट देखें तो सिर्फ 3 ब्रांड्स ऐसे दिखाई देते हैं जो हाइब्रिड कार्स बेचते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें है टोयोटा, होंडा और मारुति, जिसमें टोयोटा और मारुति तो सेम हाइब्रिड कार्स ही बेच रहे हैं, या फिर अगर मारुति अपनी विक्टोरिस ले भी आई है तो उसके अंदर टोयोटा का इंजन ही लगा हुआ है, ग्रैंड विटारा वाला। तो अगर हम हाइब्रिड्स में टोटल कार देखें तो हमें दिखाई देती है ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, टोयोटा की हाई राइडर, इनोवा हाई क्रॉस, मारुति की इनविक्टो, टोयोटा की कैमरी और होंडा की सिटी। मतलब 6-7 गाड़ियां ही हैं, और उसमें भी जो मारुति और टोयोटा की गाड़ियां वो तो सेम ही हैं, मतलब उनमें फर्क ही क्या है ज्यादा, है ना? और जो कैमरी है वो बहुत ज्यादा महंगी है, तो ले दे के 2-3 ऑप्शन ही बच जाते हैं लोगों के पास। वहीं अगर हम ईवी की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर हमें ऑप्शन की कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है। टाटा पंच जैसी छोटी ईवी से लेकर आपको बीवाईडी सील जैसी बड़ी ईवी तक, मतलब थ्रू आउट द रेंज बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल है। तो इतने कम ऑप्शन होना बहुत सारे लोगों के लिए हाइब्रिड से दूरी बनाने का रीजन बनता है, क्योंकि यार हर कोई 20-25-50 लाख की गाड़ी लेने के लिए नहीं निकल रहा है, और उसके अंदर भी सिर्फ 2-3 ऑप्शन ही मिल रहे हैं। तो अगर हम हाइब्रिड्स और ईवीज के टोटल पॉइंट्स को देखें तो हाइब्रिड्स को मिलते हैं 6 में से 3 पॉइंट्स और ईवीज को मिलते हैं 6 में से 4 पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर स्कोर से भी ज्यादा मैटर करता है कि आपके लिए कौन से पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके लिए रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है और आपको बहुत ज्यादा चलना है गाड़ी को लेकर, उल्टा सीधा जाना है, तो आप तो हाइब्रिड ही लो। लेकिन वहीं अगर आपको स्पीड, टेक्नोलॉजी और एस्पिरेशन चाहिए और आपको बहुत ज्यादा ऐसे लंबे लंबे रूट्स पे नहीं जाना, आपका रेगुलर सेट रूट है उस पे ज्यादातर चलते हो और वीकेंड ट्रिप मार लिया करते हो, तो आप ईवी भी ले सकते हो। मेरे ख्याल में ये वीडियो देखने के बाद ईवीज वर्सेस हाइब्रिड्स की ये जो बहस है ना, ये एटलीस्ट आपके लिए खत्म हो जाएगी, और आपको अपने लिए ईवी लेनी है या फिर हाइब्रिड, ये समझने में आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी छोड़िए। और हाँ, मैंने एक कोर्स बनाया था जिसके अंदर मैं इन्फोटेनमेंट वीडियोस के बारे में स्क्रिप्ट राइटिंग और रिसर्च कैसे करी जाती है, उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है कैसे एक टाइट स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, बहुत सारी बातें उसके अंदर बताई हैं। तो अगर आपको भी इन्फोटेनमेंट वीडियोस की स्क्रिप्ट और रिसर्च करना सीखना है तो जरूर वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप किसी भी टॉपिक या जॉनर पे वीडियोस बनाना चाहते हो, इस कोर्स से आपकी हेल्प होगी। थैंक यू।